आज हम बना रहे हैं मोजरेला चीज, जिसके लिए हमको चाहिए है विनेगर और कच्चा दूध। हम विनेगर से कच्चे दूध को फाड़ेंगे, इसको हल्का गर्म करेंगे। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। देखिए दूध धीरे धीरे फट रहा है। अब ये देखिए सारा चीज़ इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको हाथ में लेंगे और अच्छे से निचोड़ेंगे। अब यही प्रोसेस हम गर्म पानी के साथ करेंगे। इसको हम गर्म पानी में डालेंगे और निचोड़ेंगे। ऐसा प्रोसेस 3-4 बार करेंगे। उसके बाद हमें इसको अच्छे से निचोड़ना है और बहुत ही अच्छे से निचोड़ के ये देखिए हमारी चीज़ बहुत अच्छे से बन रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से निचोड़ेंगे और ठंडे पानी में डालेंगे, बर्फ़ के पानी में। बर्फ़ के पानी में हम इसे 1-2 बार ऐसे टाइट से निचोड़ेंगे। और अब हम एक पॉलिथीन लेंगे साफ, ऐसे पॉलिथीन के बीच में हम इसको रखेंगे और इसको हम टाइट से बंद करेंगे। टाइट से हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे फ्रिज में 1.5-2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाइए। और ये देखिए हमारी चीज़ अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। हम इसको आपको काट के दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छी बनी हुई है ये। ये देखिए कितनी आसानी से कद्दूकस हो रही है। अब हम बर्गर में सॉस लगाएंगे। सॉस में हमने काली मिर्च, नमक और अमचूर मिलाया है। ये अच्छे से सॉस लग गई है। अब इसमें हम प्याज छिड़केंगे और टमाटर, और हम थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे, और अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे थोड़ी। अब हम इसमें क्या करेंगे, आलू की टिकिया रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर से फिर हम थोड़ी प्याज टमाटर डालेंगे, और अब हम इसमें ज़्यादा सी चीज़ डालेंगे। चीज़ अच्छी तरह से लगा दें ऊपर। अब हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम नमक डालेंगे, ये हमारा नमक पुराना है। और अब हम इस पर स्टैंड रख देंगे। स्टैंड के ऊपर हम अपने बर्गर रख देंगे और इसे डिम आंच पे 1/2 घंटे तक पकाएंगे। ये देखिए हमारे बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। कितने स्वादिष्ट और लाजवाब हैं। ये देखिए हमारी चीज़ अच्छे से खींच रही है।